नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाला एपिसोड वाकई में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि मलिष्का और मलिष्का की मॉम नीलम पार्टी में आती हैं, और पार्टी में आने के बाद में जिस तरीका से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है और लक्ष्मी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, और लक्ष्मी को यहाँ तक कि चरितहीन भी बताने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में जैसे ही चरितहीन शब्द यूज होता है, उसके बाद में तुरंत ही ऋषि लेंगे एक बार फिर से एक ऐसा स्टैंड जो कि कहीं ना कहीं सब पर ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो कि आप लोगों के बीच में पूरी तरीका से ऋषि जो कि लक्ष्मी की साइड लेते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि बात की जाए तो इस समय दादी माँ पूरी तरीका से लक्ष्मी का सपोर्ट करती हुई नजर आने वाली हैं, और जिस तरीका से पूरा घर इस समय लक्ष्मी के खिलाफ है, तो लक्ष्मी के खिलाफ पूरे घर होने के बावजूद भी अब ऋषि एक बार फिर से लक्ष्मी का ही सभी के सामने साथ देते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मी जो ये सब कुछ कर रही है किसी और के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए, ताकि पूरा ओबरॉय परिवार पर कोई मुसीबत ना आए। क्योंकि लक्ष्मी जानती है कि पंडित जी ने बताया है कि मलिष्का जो है इस घर के लिए कभी भी शुभ ना थी और ना शुभ है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मलिष्का एक शराप है, और जिस घर में मलिष्का जाती हैं उस घर के लिए बहुत ही गंदा सीन होता है। ये बात खुद पंडित जी ने बताई है, और अब जल्दी ही दिलचस्प हो जाएगा देखना कि आखिरकार कितना बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। पंडित जी ने बोल दिया था कि लक्ष्मी जितना हो सके आप ऋषि के करीब रहने की कोशिश करो, तभी ही इस घर के कलेश दूर हो सकता है। लेकिन दोस्तों कहानी में जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि एक नया ट्विस्ट और भी देखने को मिलेगा। नया टोस्ट इस प्रकार से है कि लक्ष्मी बोलती हुई नजर आएगी कि मेरे जो पेट में बच्चा पल रहा है वो इसी घर का चिराग है, यानी कि ऋषि का बच्चा है, और मैं अब इस घर से कोई मुझे बाहर नहीं कर सकता, ना ही मेरा अब कोई डिवोर्स हो सकता है। साथ ही दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा गाइज कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।